रविवार को विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने निजीकरण के विरोध में विश्वविद्यालय के पंथ पार्क के मुख्य गेट पर विद्युत के निजीकरण से होने वाले नुकसान को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मंचन करके जनता के सामने प्रस्तुत किया। नाटक मंचन के दौरान जनता से अपील भी की कि इस अभियान में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का साथ दें और अपने नौनिहालों के भविष्य को बचाएं, क्योंकि विद्युत के निजीकरण देश के लिए अच्छा नहीं है। बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर एक नुक्कड़ नाटक यमलोक का निजीकरण। तुम है हम है यम, पर हमें बहुत है गम। अरे यमलोक का भी निजीकरण हो रहा है, अब हमारा क्या होगा? पूरे ब्रह्मलोक का निजीकरण हो रहा है यमलोक का, और परलोक का भी हो जाएगा, इसे पृथ्वी भी हो रहा है। ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है हमारा। और ये बताओ, ये निजीकरण होने से नुकसान क्या होगा? महाराज, ये तो पृथ्वी से आया है नुकसान लाभ, वही डिटेल पता चलेगा। डिटेल हमको नहीं पता है। अच्छा, तो पृथ्वी पर चलना पड़ेगा। हाँ, चलो चलिए। अरे भाषा को बुलाओ। क्या क्या भैंसा? हाँ। वो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? अरे अपने ससुराल गया है। ससुराल गया? अरे भैंसे, आपके भैंसे के साली की शादी है, ससुराल नहीं जाएगा तो क्या करेगा? साली की शादी में कोई नहीं रुक पाता हमारा। बिजली का निजीकरण होने वाला है, यानी कि बिजली महंगी हो जाएगी। एक आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? बिजली महंगी हो जाएगी, अब मैं बिजली का बचत करूंगा। बिजली पंखा बंद कर दूंगा, पहले ट्यूबलाइट जल रहा है इसको बंद करो, फ्रिज बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, कुछ नहीं चलाऊंगा। आम आदमी तो भूखे मर जाएगा। मैं बिना डोला के सोऊंगा, लेकिन बिजली नहीं यूज करूंगा। मेरे रूम का लाइट किसने ऑफ किया? अरे बेटा, मैंने ऑफ किया है, बिना डोला के पढ़ ले। अरे पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे रूम का लाइट क्यों ऑफ कर दिया आपने? अरे बेटा, तुझको पता नहीं, आज का पेपर पढ़, पेपर पढ़ कि बिजली का निजीकरण होने जा रहा है। ओ पिताजी, मुझे पढ़ना है, लाइट चलाइए आप। पंखा भी ऑफ कर दिया, इतनी गर्मी में कैसे पढ़ूंगी? क्यों, बिना डोला के सो जाऊंगा, लेकिन बिजली नहीं चलेगी। मुझे भी आता है, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा है। पूछो इससे। ये जी, कूलर चला ले। अरे नहीं, कूलर मत चलाना। कूलर का खाली दो ही शिफ्ट चलेगा, दो ही सो, दोपहर में 12 से 3 और रात में 12 के से 3, बाकी दिन भर खाली बिना चलेगा। अरे फ्रिज क्यों नहीं ठंडा कर रहा है? अरे हम फ्रिज का लाइन काट दिए हैं भाग्यवान। अरे सुराही का पानी पियो, सुराही के पानी से पीने से बिजली बचेगी, शरीर भी हस्त पुष्ट रहेगा। बाबा रामदेव। स्त्री प्रेस कहाँ है? अरे कुछ नहीं, बिजली संबंधित सब सामान हटा दिए हैं। कुछ मत जलाओ, कुछ मत चलाओ। कपड़ा प्रेस करना है तो बिछौना के नीचे डाल दो और ऊपर से सो जाओ। खाना पड़ेगा, पड़ेगा। हम बहुत बड़े भूत हैं। मानव हमसे डरते हैं। हम मानव से नहीं डरते हैं। बहुत बढ़िया किया, एक बार और करिएगा। नौटंकी वाले लगते हैं, क्या और करिएगा? मतलब और क्या करिएगा? बिजली विभाग का नया कोनो नियम निकला है का कि मतलब डरा के लोगों से पैसा वसूलना? पहले बता रहे हैं, अब पिछले महीने का बिजली दे दिया है, एहू महीने का दे दिया है, अगले महीना से नहीं देंगे। ना बिजली चला रहे हैं, ना पंखा चला रहे हैं, ना बत्ती चला रहे हैं, सब सब भंगार वाले को बेच देंगे। हम बिजली नहीं चलाएंगे। हमको लग रहा है जब बिजली विभाग का निजीकरण होगा तो ऐसे ही खतरनाक रूप धारण करके सब बिजली का बिल वसूलेंगे। अच्छा ये बताओ कि विद्युत विभाग का निजीकरण होगा तो तुम्हें इससे क्या परेशानियां होगी? बहुत तैयार आदमी है, लेकिन निजीकरण का संबंध में बात है, अगर निजीकरण संबंधी है तो हम आपको समझा रहे हैं। एक तो वेशभूषा इसे पकड़े हुए हैं, ऐसे आदमी का हार्ड मूव में आ जा रहा है, बता रहे हैं आपको निजीकरण हो जाएगा तो भैया बहुत परेशानी है। ये बताइए, हम प्राइवेट आदमी हैं, 15,000 कमाने वाले, और निजीकरण हो जाएगा बिजली का तो जहां हम पहले 1,500 रुपया देते थे बिजली का, एक यूनिट का 5 रुपया, मान लीजिए निजीकरण हो जाएगा तो बिजली का बिल बढ़ेगा, एक यूनिट का 10-15 रुपया हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है तो हम गवर्नमेंट से सब नहीं रहा है, गवर्नमेंट रहते तो कुछ जुगाड़ भी निकालते। अभी बताइए उतना पैसा कहाँ से देंगे, 4,500 रुपया महीने का बिल आएगा, उसके बाद 5,000 रुपया घर का किराया देंगे, प्राइवेट आदमी 5,000 रुपया में या तो खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, पढ़ाएंगे कहाँ से, अब बताइए। समझ गया, बहुत बड़ी समस्या है हमारा, ऐसे हमारा भी हो जाएगा, हम लोगों को भी इसी तरह 5-6 हज़ार तक का मिलेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी छोटी छोटी 4 बीबियां हैं, 4 बीबियां हैं छोटी छोटी 4 बीबियां है, सबका आवाज उठाना पड़ेगा मिल करके, सरकार के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपनी समस्याओं को बताना पड़ेगा। आवाज उठाऊंगा, मैं क्या बोल रहा हूं, गरीब होगा, गरीब होगा। चलिए है, सोचे थे बीटेक करके कोई अच्छी सी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करने गए तो क्या 5,000-7,000 दे रहे थे, सोचे कि सरकारी नौकरी करेंगे तो क्या खरखर सरकारी नौकरी करेगी, सब विभाग जब प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। सही बात है, अभी रेल में तमाम सारे स्टेशन को प्राइवेट किया गया, अब सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है, कहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगी बताइए। हाँ सही बात है, सही बात है महाराज। अरे लेकिन नौकरियां तो निकल भी रही है ना सरकार, सब कहीं निकला है। अरे क्या सर, रेलवे में तो निकला है, 90,000 वैकेंसी है और 2.5 करोड़ लोगों ने फार्म भरा, इतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या भी नहीं है। 90,000 लोग को नौकरी मिलेगी तब भी 2,40,00,000 और 10,000 लोग बेरोजगार रह जाएंगे नौकरी पाने के बाद, इतने बेरोजगार भारत में, और क्या, वो भी सिर्फ रूपी की नौकरी के लिए। अच्छा बात कर रहे, टेंशन नहीं है, ये बता मानो अगर बिजली विभाग का भी निजीकरण होगा तो नौकरी तो मिलेगी ना। मिलेगी नौकरी, लेकिन तब हम सरकारी नौकर नहीं कहलाएंगे, एक पर्टिकुलर उद्योगपति का नौकर कहलाएंगे हम। हम सरकारी नौकरी के नहीं, हम एक उद्योगपति के हाथों नौकरी करेंगे और वो हमें 5,000-7,000-8,000-10,000 रुपए देगा अगर अधिक क्वालिफाइड रहेंगे। यही यदि सरकारी नौकरी होगी तो हम 15,000-20,000-25,000 रुपए कमाएंगे, जिससे हम और हमारा परिवार का भरण पोषण होगा, लेकिन इससे 5,000-7,000 से हमारा खुद का खर्चा नहीं चलेगा तो परिवार का कहाँ से खर्च चलेगा। महाराज मतलब अगर हम लोग का भी निजीकरण हो गया तो कोई परिवार नहीं सह सकता है इसके कर्मचारियों इसके तनख्वाह से, अपना खर्चा मुश्किल से भले चल जाए। तो हम लोग का भी निजीकरण होगा क्या? हाँ महाराज, धीरू भाई अंबानी पहुँचे हुए हैं, आपका पूरा विभाग लेना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे ले लेंगे, हलवा पूरी है का, हम लोग ले लेंगे। अरे मेरा भैंसवा पूरा तबाही मचा देगा। हाँ सही बात है, ये आम जन की समस्या है, देखिए पड़ेगा। 1500 जो निजीकरण के नाम पर बेच रहे हैं लोग, आपका 2 रुपया प्रॉफिट में जा रहा है, गोरखपुर 2 रुपया प्रॉफिट में जा रहा है। क्योंकि मांगी सरकार है जनता को भगा कर कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, इस तरह से मैं बिजली बंद बेच रहा हूँ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने 24 घंटा बिजली दिया, मैंने जनता को 24 घंटा बिजली दिया, साल भर के अंदर आपने व्यवस्था दिया, बिजली दिया, जनता के घर तक 24 घंटा बिजली पहुँचा रहे हैं, यही चलते यही कर्मचारी पहुँचा रहे हैं। कर्मचारी चोर समझते हैं आप, इतने बड़े विधायक लोकसभा के सांसद एक दिन के लिए छूटते हैं तभी आज हमारे पेंशन पाते हैं, एक दिन के लिए छूट जाते हैं। एक कर्मचारी 40 साल की इंसान सर्विस करते हैं उसके बाद ये पेंशन के हकदार नहीं है, ये कहां का अन्याय है, हम क्या आपसे मांग रहे हैं, आप एक भी टैक्स भी नहीं देते हैं। कोई भी सांसद विधायक जो टैक्स नहीं देता है, आपने जानकारी बता दूं, कोई टैक्स नहीं देता है, उनके वेतन में कोई टैक्स नहीं रहता है, उनके खाने में कोई टैक्स नहीं है, यहाँ तक पेट्रोल डीजल मोबाइल खाने के लिए चिकित्सा सब फ्री है। एक आम कर्मचारी का उसके वेतन पर हर साल 5 महीने में टैक्स काट लिए जाते हैं, तब भी वो पेंशन का हकदार नहीं है, आपको टैक्स नहीं देते हैं तब भी आप पाते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ सभी सांसद विधायकों को, आइए हम भी पेंशन नहीं लेंगे, अभी पेंशन रुक लीजिए, अगर उसका धक्का आ जाइए मैदान में, हम भी समाज का सेवा कर रहे हैं, अभी समाज का सेवा करेंगे।